Hello students, today I started a lesson number 7, coordinate geometry. Our new part, abhi ek naya ek formula hai, area of triangle तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है क्या होता है. एक तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल वन हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, एक ये होता है. अभी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है तो वन हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है. इसी फॉर्मूले पे एक्सरसाइज 7.3 है. क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन हाफ x1 ब्रैकेट में y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉस वर्टिक्स आर 1 माइनस 1 माइनस 4 6 एंड माइनस 3 एंड माइनस 5. तो यहाँ पर देख सकते हो तो ए बी और सी तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री. ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है वन माइनस वन, बी का माइनस फोर एंड सिक्स एंड सी माइनस थ्री एंड माइनस फाइव. तो यानी एक्स वन कितना वन है, वाई वन कितना माइनस वन है, एक्स टू कितना फोर, वाई टू कितना सिक्स, एक्स थ्री कितना माइनस थ्री, वाई थ्री कितना है माइनस फाइव. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, वन हाफ एक्स वन वाई वाई टू माइनस वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. एक्स वन कितना है वन, वाई टू माइनस वाई थ्री तो वाई टू कितना है सिक्स, माइनस वाई थ्री कितना है माइनस फाइव, ये हो गया. प्लस एक्स टू कितना है माइनस फोर, ये हो गया. वाई थ्री कितना है माइनस फाइव, माइनस वाई वन कितना है माइनस वन, एक्स थ्री कितना है माइनस थ्री, वाई वन कितना है माइनस वन, माइनस वाई टू कितना है सिक्स. तो वन हाफ वन, अभी ब्रैकेट निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. यहाँ पर माइनस फाइव ब्रैकेट निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. और इसमें क्या होता है माइनस वन और माइनस सिक्स क्या होता है माइनस सेवन. अभी सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन वन जा इलेवन ही होगा. माइनस फोर, फाइव में से वन क्या कितने बचेंगे माइनस फोर ही बचेंगे. माइनस माइनस प्लस और सेवन थ्री जा कितने होते हैं ट्वेंटी वन. यहाँ पर इलेवन माइनस माइनस प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन और यहाँ पर ट्वेंटी वन. अभी एडिशन करोगे तो वन और सिक्स सेवन, सेवन और वन एट, वन और वन टू, टू और टू फोर, यानी फोर्टी एट. तो ये ट्वेंटी फोर टू जब फोर्टी एट होते टू टू कट, तो आंसर कितना मिला ट्वेंटी फोर. देखो यहाँ पर एग्जांपल इलेवन, फाइंड द ट्राइंगल वॉज थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होते हैं. ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है और ये एक्स थ्री वाई थ्री, ये हो गया. अभी उसका फॉर्मूला क्या था, वन हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. तो वन हाफ एक्स वन कितना है वन, वाई टू कितना सिक्स, माइनस वाई थ्री कितना है माइनस वन, प्लस एक्स टू कितना है माइनस फोर, वाई थ्री कितने हैं माइनस थ्री, माइनस वाई वन कितना है माइनस वन, प्लस एक्स थ्री कितना है माइनस थ्री एंड y1 कितना है माइनस वन, माइनस
वाई टू कितना है 6, तो माइनस और 1 और माइनस 6 कितने होते, माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, 7 थ्रीजा 21, यहाँ पर ब्रैकेट निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 के कितने बचेंगे माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 फोर जा 16, और यहाँ पर देख सकते हो तो ब्रैकेट निकालो तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 बन जा 11। अभी देखो 11, 16 और 21 एडिशन करोगे तो कितना होगा 48, 24 टू जा 48 होते हैं, 2 कट हो जाएंगे, कितने बचेंगे 24। तो इस तरफ से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सॉल्व कर सकते हैं। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स A52, B47 एंड C7-4, यानी कि A X1 Y1, B X2 Y2, C X3 Y3। X1 कितना है 52, B कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है 47, C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 7-4, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। 1/2 x1 कितना है 5, y2 कितना है 7, माइनस y3 कितना है -4, x2 कितना है 4, y3 कितना है -4, माइनस y1 कितना है 2, x3 कितना है 7, y1 कितना है 2, y2 कितना है 7, यहाँ पर 5, ब्रैकेट निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, -4 एंड -2 कितने होते हैं -6, 2 में से 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5। अभी 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 5 जा कितने होते हैं 55, प्लस माइनस माइनस 6 फोर जा कितने होते हैं 24, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा कितने होते हैं 35। अभी 55 ये कितने होते हैं माइनस 4 और 5 कितने होते हैं 9, 3 और 2 कितने होते हैं 5। 55 के कितने बचेंगे -4, 2 जा 4 होते 2 कट, कितना बचेगा -2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12। 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला लिख लिया, x1 की वैल्यू x2 x1 कितना है 5, y2 - y3 तो y2 कितना है 7 और y3 कितना है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 5 जा 55, यहाँ पर -4 एंड -2 कितने होते हैं -6, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस कितने होते हैं 24, 7 5 जा 35, प्लस माइनस माइनस 35 और 24 कितने होते हैं 59, 59 में से 55 का कितने बचेंगे -4, 2 जा 4 कितने बचेंगे -2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया -2। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स P -1.53, Q 6-2 एंड R -3-4, यानी P Q R 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए, X1 Y1
ये होता है एक्स टू वाई टू और ये होता है एक्स थ्री वाई थ्री। तो पी के पॉइंट कितने दिए हुए हैं, माइनस वन पॉइंट फाइव थ्री, बी का सिक्स माइनस टू और आर का माइनस थ्री एंड फोर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू वन हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। एक्स वन कितना है, माइनस वन पॉइंट फाइव, वाई टू कितना है सिक्स, अरे वाई टू कितना है माइनस टू, वाई थ्री कितना है फोर, एक्स टू कितना है सिक्स, वाई थ्री कितना है फोर, वाई वन कितना है थ्री, एक्स थ्री कितना है माइनस थ्री, वाई वन कितना है थ्री और वाई टू कितना है माइनस टू। ये माइनस वन पॉइंट फाइव, फोर और टू कितने होते हैं माइनस टू एंड माइनस फोर माइनस सिक्स, फोर में से थ्री गए वन बचेंगे, यहाँ पर माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ब्रैकेट निकालेंगे, थ्री और टू कितने होते हैं फाइव। अभी देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स, तो सिक्स फाइव जा थर्टी, क्वेरी थ्री आएगा और सिक्स वन जा सिक्स, और सिक्स और थ्री कितने होते हैं नाइन, यहाँ पर पॉइंट है बीच में तो पॉइंट यानी नाइन पॉइंट जीरो यानी कितने होंगे नाइन होंगे, प्लस सिक्स वन जा सिक्स और प्लस माइनस माइनस, थ्री फाइव जा कितने होते हैं फिफ्टीन, नाइन और सिक्स कितने होते हैं फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन, फिफ्टीन में से फिफ्टीन गए कितने बचेंगे जीरो, जीरो के साथ डिवाइड क्या होगा जीरो ही होगा। एग्जाम्पल नंबर थर्टीन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर, थ्री पॉइंट दिए हुए थे कोऑर्डिनेट के, तो पी क्यू आर, एक्स वन कितना है माइनस वन पॉइंट फाइव, ये पुट कर लिया यहाँ पर एक्स वन की जगह, वाई टू कितना दिया हुआ है माइनस टू, ये हो गया, वाई थ्री कितना दिया हुआ है फोर, तो माइनस टू एंड माइनस फोर कितने होते माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस, वन पॉइंट फाइव इंटू सिक्स कितने होते नाइन पॉइंट जीरो यानी नाइन, सिक्स फोर में से थ्री गए कितने बचेंगे वन, सिक्स वन जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, प्लस माइनस माइनस, नाइन और सिक्स कितने होते फिफ्टीन, फिफ्टीन में से फिफ्टीन गए कितने होंगे जीरो, जीरो के साइड डिवाइड करोगे तो कितना होगा जीरो ही आएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर फोर्टीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए टू थ्री, बी फोर के एंड सी सिक्स माइनस थ्री आर कॉलिनियर, यानी कि ए बी सी क्या दिया हुआ है कॉलिनियर, तो यहाँ पर लिख लो, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय मस्ट बी क्या होता है जीरो, यानी कि कभी कोई ए बी सी कोलिनियर बोले उसका एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए तो उसका एरिया क्या होता है हमेशा जीरो होता है। तो आपको थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन कौन से दिए हुए, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ टू थ्री, बी का दिया हुआ है फोर के, सी का दिया हुआ है सिक्स माइनस थ्री। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू और उसका एरिया कितना होता है जीरो, तो यहाँ इज इक्वल टू में जीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर फोर वन हाफ एक्स वन कितना है टू, वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू कितना है के
बाय थ्री कितना है माइनस थ्री है, एक्स टू कितना है फोर, बाय थ्री कितना है माइनस थ्री, बाय वन कितना है थ्री, एक्स थ्री कितना है सिक्स, वाई वन कितना है थ्री और वाई टू कितना है के इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी टू डिवाइड है उस साइड जाए तो इज इक्वल टू के पीछे जाए तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा जीरो ही होगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट वही लिख लेते हैं टू, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस थ्री एंड माइनस थ्री कितने होते हैं माइनस सिक्स होते हैं और यहाँ पर थ्री माइनस के और यहाँ पर वन टू में डिवाइड में था उस साइड जाए तो जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होगा जीरो ही होगा। अभी टू से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा टू के थ्री टू जा सिक्स प्लस माइनस माइनस, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, ये सिक्स थ्री जा एटीन प्लस माइनस माइनस कितने होंगे सिक्स के इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी सिक्स में से टू के कितने बचेंगे माइनस फोर के, अभी एटीन और सिक्स कितने होते हैं ट्वेंटी फोर, ये भी माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर जीरो, ये तो कट हो जाएंगे कितने बचेंगे माइनस फोर ही बचेंगे, माइनस फोर के माइनस फोर मल्टीप्लिकेशन में पीछे चले जाए तो जीरो के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, जीरो के साथ डिवाइड करोगे कितना होगा जीरो ही होगा। तो के की वैल्यू कितनी मिली ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। आपको थ्री कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए और कोलिनियर बोला जाए तो यहाँ पर क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसका फॉर्मूला लिखना है और पीछे क्या करना है जीरो, क्योंकि उसका एरिया कितना होगा ट्राइंगल का जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो इक्वल में कर दिया। अभी देखो फॉर्मूला में एक्स वन एक्स टू वाई टू वाई टू की थ्री वैल्यू पुट करनी है वो भी पुट कर ली और थ्री यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन होगा टू के प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस माइनस माइनस, सिक्स टू जा ट्वेंटी फोर, यहाँ पर सिक्स थ्री जा एटीन प्लस माइनस माइनस सिक्स के, सिक्स में से टू के कितने बचेंगे माइनस फोर के, एटीन और सिक्स कितने होते हैं ट्वेंटी फोर, यहाँ तो माइनस ट्वेंटी फोर ऑलरेडी था, ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी फोर गए जीरो ही बचेंगे, ये तो कट कर दिया। तो अभी माइनस फोर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर मल्ले बस पीछे चले जाए तो जीरो के साथ डिवाइड, जीरो के साथ डिवाइड करोगे तो कितना होगा जीरो ही होगा। नाउ द एग्जांपल नंबर 15। If a minus 5 7, b minus 4 minus 5, c minus 1 and minus 6, and d 4 5 are the vertex of quadrilateral, to find the area of quadrilateral ABCD, हमें ABCD का क्वाड्रिलेटर क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले क्वाड्रिलेटर ABCD ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं ABCD और एक डायगोनल ले लेते हैं। तो ये हो गया एक डायगोनल, ये तो यहाँ पर देख सकते हो तो दो ट्रायंगल बनने, एक ट्रायंगल ए बन रहा है दूसरा ट्रायंगल ए बन रहा है, तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ADC, यानी कि दोनों के एरिया को हम सम करेंगे तो पूरा क्या मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। तो यहाँ पर फर्स्ट ABC का ए के कोऑर्डिनेट AX1Y1 BX2Y2 CX3Y3, तो ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने माइनस फाइव सेवन, बी के कितने माइनस फोर माइनस फाइव, सी के कितने हैं माइनस वन एंड माइनस सिक्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या था X1Y2 माइनस Y3, X2Y3 माइनस Y1, X3Y1 माइनस Y2, वन हाफ X1 कितना है माइनस फाइव, Y2 कितना है माइनस फाइव, Y3 कितना है माइनस सिक्स है, X2 कितना है माइनस फोर, Y3 कितना है माइनस सिक्स, Y1 कितना है सेवन, X3 कितना है माइनस वन, Y1 कितना है सेवन, Y2 कितना है माइनस फाइव।
यहाँ पर माइनस फाइव ब्रैकेट निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस सिक्स और माइनस सेवन कितने होते हैं, माइनस थर्टीन। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट निकालोगे तो फाइव में से सिक्स में से फाइव गए कितने बचेंगे, वन बचेंगे। यहाँ पर फोर थर्टीन फोर जा कितने होते हैं, फिफ्टी टू। और यहाँ पर माइनस वन सेवन और फाइव कितने होते हैं, ट्वेल्व। फाइव वन जा फाइव, प्लस माइनस माइनस, प्लस फिफ्टी टू और प्लस माइनस माइनस, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व। ट्वेल्व और फाइव कितने होते हैं, सेवनटीन। फिफ्टी टू में से सेवनटी गए, यानी 52 में से 17 गए कितने बचेंगे, 35। यानी कितना होगा, 35 डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा, 35 बाय डिवाइड बाय 2। वैसे ही अभी कौन सा है, ए सी डी। तो ए सी डी ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होंगे, एक्स वन वाई वन, ये होंगे एक्स टू वाई टू, ये होंगे एक्स थ्री वाई थ्री। एक्स वन कितना है, ये ए के पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट माइनस फाइव सेवन। सी के कितने होंगे, माइनस वन सिक्स। और ये डी के पॉइंट कितने दिए हुए हैं, फोर फाइव। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी वन हाफ, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। एक्स वन कितना दिया हुआ है, माइनस फाइव। y2 कितना दिया हुआ है, माइनस सिक्स। y3 कितना दिया हुआ है, फाइव। x2 कितना दिया हुआ है, माइनस वन। y3 कितना दिया हुआ है, फाइव। माइनस y1 कितना दिया हुआ है, सेवन। x3 कितना दिया हुआ है, फोर। y1 कितना दिया हुआ है, सेवन। y2 कितना दिया हुआ है, माइनस सिक्स। ये माइनस फाइव, माइनस सिक्स और माइनस फाइव कितने होते हैं, माइनस इलेवन होते हैं। माइनस वन सेवन में से फाइव गए कितने बचेंगे, माइनस टू ही बचेंगे। यहाँ पर फोर माइनस माइनस प्लस, सेवन और सिक्स कितने होते हैं, थर्टीन। माइनस माइनस प्लस, इलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव। माइनस माइनस प्लस, वन टू जा टू, थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू। फाइव और टू सेवन, सेवन और टू नाइन। फाइव और फाइव कितने होते हैं, टेन। यानी कितना हुआ, वन जीरो नाइन डिवाइड बाय टू। तो अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना मिला, 35 डिवाइड बाय 2। ए कितना मिला, 109 डिवाइड बाय 2। 2 एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का क्या हो जाए, एडिशन हो जाएगा। 109 में 35 जीरो ऐड करो तो 9 और 5 14, 3 और 1 कितने होते, 4। 144 डिवाइड बाय 2, तो 144 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 टू जा 14, 14 में से 14 गए 0। यहाँ पर 4 नीचे उतरेगा, 2 टू जा 4। यानी 144 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 72। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी कितना होता है, 72। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15।